देखो भाई, नोजल चेक हो रही है मशीन पे। हाँ, भाई नोजल। लोड तो ठही नहीं ले रहा होगा ना। अरे भाई, ये गाड़ी सर आज ड्राइवर तो आ जाता होगा ना। भाई देखिए, दोनों दो नोजल तो चोक है, इसकी पूरी नोजल चोक हो गई है। अभी तीसरी नोजल देखेंगे। रियल भी उतर रहा होगा इंजन तो तुम्हारे यार, पता नहीं चलता उसका। देखिए भाई, पूरी नोजले जाम है, तीनों नोजले जाम हो रही, सिर्फ दो ही छेद चल रहे हैं इसके, देख सकते हैं। जबकि पूरे पाँच छः चलते ना, पाँच छः चलना चाहिए इसमें, तो दो ही चल रहे हैं। तो भाई इस कारण से भी ट्रैक्टर लोड नहीं ले रहा। भाई ये जो भाई साहब, ये धामनोद में गैरेज है इनका, तो इनका मैं, हाँ, फ्रेंड्स ऑफ डीजल इमरान खान धामनोद, देख सकते हैं जैन बैटरी वाले के सामने। जैन बैटरी वाले के सामने भाई, जिसको भी काम कराना हो सीधे आप यहाँ आ सकते हैं। इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। भाई देखिए, जो नोजल खोल के दिखा रहे हैं ये, तो नोजल पूरी डाउन हो रखी है, मतलब पूरे होल जो है इसके माइक्रो होल होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ऐसे तो देख भी नहीं सकते अपन। भाई पूरी नोजलें ख़राब हो रखी है इसकी। ये है अभी नई नोजल डल रही है इसमें, क्योंकि वो जो है नोजल पूरी ख़राब हो गई थी, पूरी जाम हो गई थी, देख सकते हैं ये इसमें। तो अभी नई नोजल डलेगी इसमें, तो वो एक नोजल डलने लग गई है, देख सकते हैं माइको की ओरिजिनल नोजल है। तो अभी इसका प्रेशर भी चेक करेंगे, सारी चीज़ें दिखा देंगे। भाई ये देखो, नोजल कसाने लग गई, पहली नोजल है अपनी, फर्स्ट नोजल। तो देखिए इसका बार वगैरह सब चेक करेंगे। देखो भाई इसका प्रेशर, तो ये पूरा धुआं धुआं प्रेशर है। देखिए भाई, 260 प्रेशर इसका हो गया है, देख सकते हैं। जो प्रेशर अभी जो है पूरा शानदार, इसका देख सकते हैं, देख सकते हैं ये पूरे मार रही है प्रेशर। अरे अब हुई इसकी पूरी सेटिंग, पूरी प्रॉपर, देख सकते हैं पूरा धुआं धुआं ही कर दिया फ्यूल। देखिए भाई, ये पुरानी नोजल थी, तो भाई 200 पे आ गया, लेकिन अभी तक देख सकते हैं नोजल फायर ही नहीं कर रही है एकदम, देख सकते हैं ये गिर ही नहीं रहा है। तो भाई ये पुरानी नोजल है, देख सकते हैं एक बार और मैंने आपको दिखाई है। तो भाई यही दिक्कत थी इसमें, तो ट्रैक्टर इसीलिए लोड नहीं ले रहा था। भाई देखो, ये दूसरी नोजल है, तो देख सकते हैं भाई प्रेशर इसका पूरा, देखिए पूरा धुआं धुआं कर दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं ये। भाई वो तो और भी प्रेशर कम है इसका, प्रेशर और बढ़ेगा इसका। तो भाई जो मीटर में चेक होके 260 PSI प्रेशर बनाती है इसकी, भाई देखो ये दूसरी नोजल का भी प्रेशर एकदम सेट हो गया है। प्रेशर देखो 260 है, देख सकते हैं। ये भी हो गई भैया, ओके, देख सकते हैं। तीसरी नोजल है इसका, एक्यूरेट प्रेशर है, तीनों नोजल हो गई, देख सकते हैं बहुत बारीक प्रेशर है इसका। तो इसका ये भी दिखा देता हूँ मैं बाहर, 260 एक्यूरेट, देख सकते हैं भाई। स्प्रे भी बहुत फायरिंग ऑर्डर भी सही है, फायरिंग ऑर्डर भी सही है, देख सकते हैं। तो तीनों नोजल कर दी है भाई। देखिए ये आखिरी टेस्टिंग हो रही है,
तो भाई ये जो दादा हैं ये दो बार टेस्टिंग करते हैं नोजल की, एक बार पूरी एक्यूरेट प्रेशर के बाद फिर से एक बार चेक होती, तो तीनों नोजलें डबल डबल चेक हुई है कि कोई कमी ना रहे। तो देखिए दूसरी नोजल भी चेक हो रही है क्योंकि तीनों नोजल डबल चेक होगी। नोजल चेक हो गई, अब तीनों नोजल हो गई है। भाई देखो ये तीनों नोजल निकाल दिए, अभी जो ये साफ हो रही है भाई ये साफ कर रहा है, और ये पूरी नोजल देख सकते तीनों नहीं लगवा लिया अभी, जो इसमें डस्टिंग कैप वगैरह लग के पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और अब घर जाके कसेंगे, इसके बाद का वीडियो में बताऊंगा कैसे कसे। नंबर वगैरह हैं फ्रेंड्स, डीजल माइको बोस पंप नोजल सर्विस देख सकते हैं सभी, क्योंकि लोकेशन में दिखा देता हूँ भाई, विशेष लोहा भंडार के सामने है, और ये जो है ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक तो इंदौर रोड पे है, ये देख सकते हैं। हम इसमें वापस जो इंजेक्टर फिट करेंगे, नोजल फिट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे देख सकते हैं, ये जो हमने क्लिप है इनके मुंह चौड़े किए थे तो इनको वापस ठोक के सकड़े कर दिए, देख सकते हैं यहाँ पर ठोक के हथौड़ी से वापस सकड़े कर दिए, जो इसमें बैठ जाए यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से बैठ जाए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें फिट करेंगे, तो चलिए फिट करते हैं। तो भाई इस ये यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर जो ये डस्टिंग कैप है इसको निकाल देंगे। तो भाई देख सकते हैं इसमें नोजल नहीं डाली है हमने, तो ये जो इसकी देखिए दोस्तों, ये जो इसमें हमने पहले क्लिप लगा ली है देख सकते हैं, इस तरह से जो होल है बाहर की साइड रहेगा और नीचे एक वाइसर लगेगा, तो इनको दोनों को साथ में ही डालेंगे हम देख सकते हैं इस तरह से, दिखा देता हूँ मैं। देख सर इस तरीके से साथ में डलता है, ये डल गया देख सकते हैं, इसी तरह सभी नोजल में डालेंगे। तो भाई इस तरह से देख सकते हैं फिर से तीसरी नोजल भी फिट हो रही है। तो देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से फिट होगी, देख सकते हैं ये फिट हो गई। अब इनके ऊपर वाइसर लगा के देखिए दोस्तों, ये जो इनके वाइसर है इस तरह से लगेंगे, वाइसर लग गए, ये जो इनका नट है ये भी कस देंगे, इनको अच्छे से टाइट भी करेंगे पाने से, तो पहले इनको कस देते हैं हाथ से, तेरा नंबर पाने से इनको कस देंगे चाबी से, अच्छे से फुल टाइट कर देंगे इनको, सभी को कर देंगे अच्छे से फुल टाइट। तो देखिए जो रिटर्न पाइप है ये इनको लगाएंगे, तो इस तरफ से ये जो है वाइसर एक इस रहेगा देख सकते हैं, इस तरह से लगेगा, और एक जो एक वाइसर है ये इधर अंदर की साइड से लगेगा, तो तीनों में सेम टू सेम कस लेते हैं हम, एक इधर बाहर की साइड लगेगा नट के ऊपर बोल्ट के देख सकते हैं, और एक बोल्ट के इस साइड लगेगा, तो इसको लगा देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से वाइसर लगेंगे, एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड, तब इनको टाइट कर लेते हैं हम तीनों नट को देख सकते हैं, इनको तीनों को टाइट कर लेंगे अच्छे से। तो वही देखिए जो पाइप लगा दिए हैं इस तरीके से इनको टाइट कर देंगे, वो नीचे भी लगा देंगे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, ये सारे टाइट हो जाएंगे, तो इसी तरह नोजल फिटिंग हो जाएगी। बाकी चालू हो गया, कुछ भी नहीं करना है, फिटिंग हो गया, साइलेंसर कसना है, ढक्कन लगाना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।